Now we'll talk about the detail of each and every history taking. So let's move towards that. So let's begin with the present history. The present history भी कुछ चीज़ें include करती है. History taking, the history of present illness should be in a paragraph wise. ठीक है, उसका एक पैरा होना चाहिए कि till date, जब से उसको दिक्कत थी, suppose the patient complained of low back pain since 5 days, तो ये 5 दिनों में और आज को include करते हुए क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, कब हुई, क्या क्या चीज़ें, तो वो डिटेल में हम पढ़ेंगे. टिल डेट का सारा कुछ हमने जो है पैराग्राफ वाइज में मेंशन करना है. एंड वी शुड नॉट इंक्लूड ऑल द थिंग कि कितनी बार वॉशरूम गया, कितनी बार ले गया, नहीं. हाँ, अनलेस और अनटिल तो वॉशरूम करते वक्त उसको पेन हुआ या फिर सिटिंग नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, तो दैट थिंग वी विल मेंशन. ठीक है, सो क्या क्या चीज़ें हमने मेनली इन्वॉल्व करना चाहिए उन चीज़ों में, वो विल फोकस ऑन दैट. तो प्रेजेंट हिस्ट्री में तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ इंजरी. मतलब कि अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है 5 दिनों से, तो पेशेंट को पेन है, तो वो 5वें दिन, मतलब वो 5th डे, जो फर्स्ट डे था, डे 1 जो था उस दिन, या फिर डे 0 जो उसको पेन हुआ था, डे 1 ही कहेंगे उसको, कि उसको अगर वो गिर गया था, उसको इंजरी हुई थी, तो डेट ऑफ असेसमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, कि उसको इस दिन को, सपोज़ आज से 5 दिन पहले का उसको दर्द था, तो उस डेट को हमने मेंशन करना. मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, किस तरीके की इंजरी उसको हुई थी, मैकेनिज्म क्या था, कि वेदर द पेशेंट फॉल हो गया था, या फिर रोड ट्राइक, जैसे यहाँ पे दिया है ना, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ था उसको, या फॉल हुआ था, या फ्रैक्चर हो गया था, या सामने से किसी ने ट्रॉमेटिक इंजरीज हो गई, या किस तरीके की इंजरीज थी, तो उसके अकॉर्डिंग. तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या चीज़ हमने पढ़ी है, रोड साइड एक्सीडेंट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द डायरेक्ट इंजरी. मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज द डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली हिट हो गया है, या फिर डायरेक्टली किसी ने उसको किसी चीज़ से मार दिया है, तो वो हो गई. इनडायरेक्ट इंजरी मतलब किसी चीज़ से फिसल के गिर गया, या फिर गिरने की वजह से उसको चोट लग गई, वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, तो इनडायरेक्टली अगर उसकी इंजरीज होती है. ठीक है, बेंडिंग की वजह से, या ट्विस्टिंग ऑफ इंजरीज हो गई, या फिर रोटेशन की वजह से. दिज आर ओनली द थिंग्स विच आर ओनली एस सम ऑफ देम. ठीक है, हम वराइटी ऑफ चीज़ें हो सकती है, किसी अदर कॉज की वजह से भी उसको हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम जो है यहाँ पे लिख रहे हैं, ओनली फ्यू ऑफ देम वी आर मेंशन हियर. ऐसा नहीं है कि बस इसी की वजह से ही इंजरीज हो सकती है, बहुत सी अदर चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो हमने कुछ गिने चुने ही इसमें लिए हुए हैं. ठीक है, तो ये हो गई कुछ मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की. हमने मेंशन क्या करना, पहले तो डेट की, किस दिन को हुई थी इंजरी, और दूसरे की मैकेनिज्म की, किस तरीके से उसको इंजरी हुई थी. ठीक है, अगर उसको पेन हुआ था, तो उसका डेट कब से ऑनसेट हुआ था पेन का, और कैसे हुआ था वो पेन. ठीक है, अब मोड ऑफ ऑनसेट पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हमने पढ़ लिया डेट, दूसरा हमने पढ़ लिया मैकेनिज्म, थर्ड इज़ द मोड ऑफ ऑनसेट. Now we'll talk about the mode of onset. तो mode of onset क्या होता है, कि किस तरीके का pain होता है, जो भी pain हो रही है, या जो भी symptom arise हो रहे हैं. अच्छा, you should also know about the symptoms क्या होते हैं और sign क्या होते हैं, कि sign कौन बताता है और symptoms कौन बताता है. तो symptoms are the things which are detected by the patient. तो patient खुद बताता है कि मुझे ऐसा था, मुझे ऐसा था, मुझे वैसा हो रहा था, वो तो जो भी चीज़ें patient खुद कहता है, that is symptoms. And the sign is the जो भी चीज़ें detect by the doctor होती है. ठीक है, द डॉक्टर की इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, या डॉक्टर के थ्रू जो भी चीज़ बताई थी, दैट इज साइन. ठीक है, तो सो द मोड ऑफ ऑनसेट मतलब कि जो पेन हो रहा है, या फिर जो भी सिम्टम अराइज हुए हैं उसको, वो किस तरीके का था. सपोज जैसे उसने बताया कि मैकेनिकल लो बैक पेन था उसको, इट्स अ लो बैक पेन, उसको पेन था सिंस 5 डेज, तो उसका जो पेन था वो किस तरीके का था. वेदर इट इज़ अ सडन, मतलब अचानक से पेन होना शुरू हो गया था, या फिर ग्रेजुअल, मतलब कि धीरे धीरे ही इज़ हैविंग पेन. मतलब हाँ, फर्स्ट डे इतना था, सेकेंड डे इतना था, थर्ड डे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फोर्थ डे फिर मैंने मेडिसिन ली तो ऐसा हो गया. तो जो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा था. इंसीडियस मतलब कि इनिशियल में उसको कोई सिम्टम्स का पता ही नहीं चला, उसको ये कंडीशन थी, लेकिन उसको एज सच कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहे थे, बाद में अचानक से उसको सिम्टम्स आने लगे. ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन में ऐसा देखा जाता है, कुछ सर्टन डिजीज में ऐसा देखा जाता है. ठीक है, पीरियोडिक मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड, इस पर्टिकुलर टाइम पे इसको पेन होता है. सपोज कह सकते हैं उसको नाइट में ज़्यादा पेन होता है, उसको मॉर्निंग में ज़्यादा पेन होती है. ठीक है, या फिर चलते चलते इसको पेन होती है. तो दिस टाइप ऑफ इज नोन एज अ मोड ऑफ ऑनसेट. ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मोड ऑफ ऑनसेट, कि सडन था, ग्रेजुअल था, इंसिडियस था, या फिर पीरियोडिक था. नाउ विल टॉक अबाउट द ड्यूरेशन. तो ड्यूरेशन क्या होता है, कि हाउ लॉन्ग द कंडीशन और हाउ लॉन्ग द सिम्टम पर्सिस्टेड, द पर्सिस्ट करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या फिर हमेशा ही रहता है, कंटिन्यू ही रहता है उसको, या फिर जब से हुआ तब से हो ही रहा है, तो क्या ड्यूरेशन है उसके पेन का या फिर ऑनसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिम्टम्स का, ठीक है। द सेकेंड अदर थिंग ऑफ द ड्यूरेशन इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके का पेन था, विद दैट इज एक्यूट, क्रॉनिक और सब एक्यूट कंडीशंस, ठीक है। तो जैसे इससे पता चलता है कि उसकी जो कंडीशन है किसके अंडर लाई करती है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज द एक्यूट विच प्रेजेंस इन 7 to 10 days, दैट इज मतलब 1 week से ऑलमोस्ट 10 days तक का, ठीक है, फ्रॉम 1 week टू 10 days या फिर 7 days to 10 days तक का। तो वो कंडीशन नॉर्मली किसके अंडर आती है, एक्यूट कंडीशन में। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था लो बैक पेन का, तो उसको क्या है था सिंस 5 days था, तो इट विल कम्स अंडर, तो हमारे आएगा किसके अंडर, 1 week, दैट इज एक्यूट कंडीशन। नाउ व्हाट इज अबाउट द सब एक्यूट, सब एक्यूट कंडीशन वो होती है जो 10 days से ज़्यादा होती है और टिल 7 weeks, ठीक है, 7 weeks तक का अगर वो पेन होता है उसको या फिर वो सिम्टम्स रहते हैं तब से हैं, तो दैट विल कम्स अंडर सब एक्यूट कंडीशन। वाइल द क्रोनिक कंडीशन विच इज परसिस्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज अ मोर देन 7 week, उसको 5 साल से पेन है, उसको 1 साल से पेन है, उसको सालों से पेन है, 6 महीने से पेन है, तो दैट विल कम्स अंडर क्रोनिक कंडीशन। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे 1.5 महीने से पेन है, 1 महीने से पेन है, ठीक है, या फिर 2 महीने से पेन है, तो दैट विल कम ऑलमोस्ट अंडर द हमारा सब एक्यूट कंडीशन। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है आई एम हैविंग द पेन फ्रॉम लास्ट 1 week या 10 days या फिर 4 days से या 5 days से, तो दैट विल कम अंडर अपर एक्यूट कंडीशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑल्सो इट इज डिवाइडेड की अक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। ऑन द सेकेंड पॉइंट इज द ड्यूरेशन ऑल्सो डिपेंड, क्या ड्यूरेशन ऑफ पेन कितना रहता है, वेदर इट इज़ अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और या फिर कभी कभी होता है कभी नहीं होता, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ ड्यूरेशन, ठीक है।